देख लो पूरे सरपा वाले काम कर रहा हूँ मैं। मेरा ही हाथ बहुत खूबसूरत है, गिर जाओ उसी में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 7 और ये है व्यू कल्पा का। सुबह मैं जब उठा तो मैं डायरेक्टली बाहर ही आ गया, अभी मुझे लगा कि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। रात में बर्फ़ पड़ी है लेकिन बहुत थोड़ी बहुत पड़ी है, तो यहाँ पे नीचे फील नहीं आया वो बर्फ़ का, कुछ भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ पेड़ पे थोड़े बहुत बर्फ़ पड़े हुए हैं जो देख पा रहे होंगे आप। हमें तो लगा था कि फोरकास्ट अकॉर्डिंग कि बर्फ़ पड़ने वाला है कल, और बहुत सारे लोगों ने बोला भी था, बट ऐसा हुआ नहीं। हाँ बर्फ़ पड़ी ज़रूर लेकिन ऊपर पड़ी वहाँ पे, क्योंकि जब मैं आया था तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं थी, सिर्फ इस पहाड़ पे थी, इस पहाड़ पे जहाँ पे बहुत टेंस हो गई है बर्फ़। अब कुछ लोगों के घर उस पहाड़ पे भी है नीचे, देखिए उनकी तो अलग ही है। ऐश भी है और थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी है, लेकिन अलग ही मज़ा है उसका भी। बाय द वे हम यहाँ से हम निकलेंगे, फटाफट रेडी होता हूँ। और हमारा नेक्स्ट प्लान है देहरादून जाने का, क्योंकि देहरादून रुकेंगे और फिर वहाँ से ऋषिकेश में रुकने का प्लान है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो हम करेंगे वो ऋषिकेश में करेंगे, रिवर साइड, क्योंकि रिवर साइड का भी अलग मज़ा है। तो प्लान ये था कि 7:30 बजे लेके ही घर पहुँचेंगे, तो देखते हैं अब यहाँ से निकलने का पहले प्लान करते हैं, सारा पैकअप करते हैं और अगले 1.5 घंटे में यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकल लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारा रोड पे निकल गया, लेकिन मज़ा ज़रूर आया, मज़ा तो बहुत आया। ड्राइव का जो मज़ा है वो अलग ही है। से दिस व्यू, ठंड तो इतनी है ना कि पानी भी टच करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, थोड़ा भी टच कर रहा है तो ऐसा हो रहा है कि हाथ जमने जैसा हो जा रहा है और हाथ कांप रहे हैं, इसलिए कैमरा भी हिल रहा है, डोंट माइंड इट। ये रही हमारी सुबह की चाय, पहाड़ों में चाय और ब्रेकफास्ट में आलू पराठे लिए हमने, गर्मा गर्म चाय। ठंडी तो इतनी तेज हो रही है चाय की जैसे बर्फ डाल दिया हूँ। कोई बात नहीं लेकिन मज़ा आ रहा है, चाय तो पीते रहना है। ऐसे नहीं बोलते पहाड़ों पे चाय लव होता है। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, और इधर देखिए इधर चल रहा है शूट, खिड़की से लटक के शूट। सो वी आर रेडी टू लीव, ऑल सेट, चलते हैं निकलते हैं यहाँ से। रेडी हो चुके हैं सबके सब, बस फटाफट निकलना है, सामान गाड़ी में लोड करना है और निकलना है। ये रेडियो के बाहर खड़ा है, बस अब निकलने का टाइम हो चुका है, सारे बिल पेमेंट वगैरह कर दिए हमने, तो अब निकलना है बस। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत एक्सट्रीम। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, अब हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। एक डिफिकल्ट काम था, क्योंकि अगर सपोज़ रात में बर्फ़ पड़ जाती तो फिर गाड़ी यहाँ चढ़ाना बहुत मुश्किल जाता, तो इसलिए हमने गाड़ी ऊपर ही लगा दी। तो थोड़ी 100 मीटर के ट्रैक करके ऊपर जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे और फिर निकल जाएंगे। आगे जा रही है कॉपी कैट, देख लो पूरे सरपा वाले काम कर रहा हूँ मैं। ढेर सारा सामान अपने पीठ पे डाल के ऊपर जा रहा है, और मेरे सामान। बहुत तेज हवा चल रही है, और सबसे बड़ी बात जो पीछे आ रहे हैं लोग लोकल, उनके लिए चढ़ाई बहुत इजी है, हमारे उतनी डिफिकल्ट। एक्चुअली ये रेंज पूरा किन्नर कैलाश रेंज है,
देखिए ये पूरा किन्नर कैलाश रेंज है। पूरी रात बारिश होती रही है, फटाफट सारा सामान लोड करेंगे इसमें गाड़ी में और निकल लेंगे। अच्छे से रखो सामान, बहुत ज़्यादा है, अच्छे से रखो। तो हम निकल रहे हैं हम यहाँ से देहरादून के लिए। गाड़ी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, थोड़ी गाड़ी को गर्म करके उसके बाद निकलेंगे। एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 11 घंटे का, तो निकल तो चले हैं। तो 11 घंटे की मतलब 10 बजे तक हम वहाँ पहुँच पाएंगे, अराउंड 10 बजे का एक्सपेक्टेड अराइवल है। बट देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि रास्ते में रुकेंगे ज़रूर, और रुकते रुकते जाने में पक्का हम रात में पहुँचेंगे 12 बजे तक। और यहाँ से निकलते ही देखिए ये व्यू ज़बरदस्त। धूप हो रही है धीरे धीरे, तो थोड़ा रेंज दिखना स्टार्ट हो गए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी देर में बर्फ भी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। निकलते हैं देहरादून के लिए। और वैसे एक्सपेक्टेड अराइवल मैंने बताया था 11 घंटे, बट ट्रैफिक और ये सब इन सब चीज़ों की वजह से 13 घंटे अब हो रहा है। तो मैं तो समझ चुका हूँ कि क्या होने वाला है, बहुत लेट पहुँचेंगे, बहुत लेट देहरादून। तो रास्ते में जो भी आएगा वो आपको दिखाते रहेंगे, और कल सुबह दिखाएंगे हमारा रूम कैसा है और कैसा रहा हमारा स्टे वगैरह। लाजवाब एग्जिट है हमारा यहाँ पे। निकलते निकलते एक बेहतरीन व्यू देख लिया हमने। एक्चुअली यही है कैलाश, जो किन्नर कैलाश रेंज है, ये पूरा पहाड़ जो है वो वहीं का है। टोटल 1.5 से 2 दिन की ट्रैकिंग है अगर आप जाते हैं तो, 2 से 4 डेज का ट्रैक है। तो डिफ़िकल्ट तो है, बट हाँ उतनी ऊपर जा के क्या होगा नज़ारा। और ये भैया की ड्यूटी, सुबह सुबह बेचारे पेट्रोल पंप पेट्रोल भर रहे हैं। चलो 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 थोड़ी आगे जाएंगे, थोड़ी और बस बस पेट्रोल फुल 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 कर दो, पेट्रोल फुल कर दीजिए पूरा। फटाफट फ्यूल डलवा के निकलते हैं, क्योंकि यार बार बार तो रुकेंगे नहीं। निकलते टाइम ही शहर से हम फ्यूल डलवाते हैं, क्योंकि रास्ते में फ्यूल स्टेशन कहाँ मिलेंगे हमें भी नहीं मालूम है। और थोड़ी देर के लिए रुके थे बस फ्यूल डलवाने, इनको बाहर घूमना बहुत ज़रूरी है। हाँ बस कट, हाँ जी हाँ जी, हम अपनी ड्यूटी करते हुए सारे कचड़े को डाल रहे हैं, क्योंकि इधर तो डिस्पोज करना सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार पेट्रोल पंप पे ये था तो इसको यूज़ किया जाए। तो ये बंदा प्लास्टिक है यहाँ पे बड़ा सा। अरे ये मैं रखी हूँ कुछ, हमारा कचड़े कलेक्ट करने वाला आदमी है, कचड़ा वाला। सारे कूड़े हमने फेंक दिए, गिर जाओ उसी में। मुझे मॉइस्चराइजर देना यार, इतना ज्यादा मैं मॉइस्चराइजर लगाई हूँ फिर भी मेरे हाथ मॉइस्चराइजर लगाए, हाथ देखो कैसा ड्राई हो जा रहा है। हाथ कैसा हुआ तुम्हें? मेरा ही हाथ बहुत खूबसूरत है। ये है शॉर्टांग ब्रिज जिसको क्रॉस करता है, ये एक्चुअली ये सतलुज रिवर के ऊपर है। तो इसको क्रॉस करके हम पहाड़ के दूसरे साइड आ गए। बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज है एक्चुअली। मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट उसकी तरह है, चीचम की तरह, बस चीचम का हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। नीचे सतलुज रिवर और ऊपर देखिए बर्फ़ पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन, अंदर बहता हुआ पानी ऊपर जमा हुआ पानी। और ये लाजवाब रोड, ये सीधी रोड होती है ना, बहुत बेहतरीन लगती है, दूर तक एक अच्छा व्यू आता है। देखो और ये क्या हो गया, ये देखिए हाँ इसी रास्ते से आए थे कल, इसी पर से सामान अनलोड हो रहा था। होपफुली जो रहा होगा वो ठीक ठाक होगा, वैसे कुछ हुआ नहीं है ट्रक में आगे, लेकिन हाँ ट्रक पलट गई थी पूरी तरह से।
अच्छा लग रहा हूँ। चलो किन्नौर की पहाड़ी के अंदर बहुत गजब लग रहा है। हम सारे जो भी कटिंग है उसको कोई ना कोई एक स्कल्पचर का नाम दे रहा है, आंख नाक मुंह इमेजिनेशन, वैसा आर्किटेक्चर बन ही जा रहा है पूरा। तो कलाकारी की गई है इस पे ना, ये कलाकारी ही है एक तरह की। हम किन्नौर के पहाड़ों के बीच में रुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे तो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बारिश भी हुई है और पत्थर वगैरह कहीं भी गिर जा रहे हैं अचानक से, तो गिर तो रहे हैं लेकिन उतनी खास बारिश नहीं हुई। और मैंने सबकी इच्छा थी कि हम रुक के बीच में वीडियो बनाएं कहीं पे, तो मैंने थोड़ा सेफ़ जगह ढूंढा, आई थिंक ये सेफ़ ही है, थोड़ा सेफ़ जगह ढूंढ के मैं रुका कि चलो ठीक है सब लोग वीडियो बना सकते हैं अभी थोड़ा, क्योंकि आए इसीलिए यार वीडियो बनाने आए। और ये देखिए हिमाचल परिवहन की बस, हिमाचल प्रदेश शिमला जो जा रही है, शिमला धर्मशाला वाली बस है, काफ़ी अच्छी है, सर्विस तो बहुत अच्छी है हिमाचल की यार। कोने कोने तक आप देखेंगे ना तो ये आपको सर्विस देते हैं हिमाचल गवर्नमेंट बस वाले। और आप देखिए वो देखिए एक रोड है, वो दिख रहा होगा, पता नहीं वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट अलग ही खूबसूरत सा रोड है। देखिए बहुत दूर दूर तक रोड है और कुछ घर वहाँ पे हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, इतने साल हो गए मुझे पहाड़ों पे घूमते, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि यार वहाँ तक जाते ही ये कैसे लोग हैं। कोने कोने में ऊपर में दिख रहा हूँ मैं घर है, देखिए एक एक घर है ऊपर, वो पहुँचते कैसे होंगे वहाँ पे यार। डेयरिंग लोग है, डेयरिंग समझा, डेयरिंग लोग, और ऊपर बर्फ पड़ी है, नीचे नहीं पड़ पाई है, नीचे पड़ेगी जरूर, जल्दी पड़ेगी, ये रास्ता ही बंद हो जाएगा। ये चश्मा कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है बड़ा है, मुझे लगता है कि हाँ मेरे फेस पे काफ़ी बड़ा हो रहा है। साइज़ तो एक ही था यार, फ्लेक्सिबल साइज़ था, उसने बोला था कि नहीं फिट हो जाएगा, बट बड़ा लग रहा है मुझे तो देख के यार। और इस व्यू के साथ एक तो फोटो बनती है, फ़ोटो वगैरह लेते हैं, यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं और हम गाड़ी खड़ी करके रखे हैं रोड पे, तो शायद प्रॉब्लम भी हो सकती है लोगों को, और बहुत सारे लोग मना भी करेंगे ना जाते हुए, इधर मत खड़ी करो इधर खतरा है, तो निकलते हैं।